कोटा में स्वच्छता अभियान के तहत आज श्रमदान का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी कोटा पहुंचे और महावीर नगर इलाके में श्रमदान में भाग लिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता अभियान की आज़ादी के पहले से शुरुआत कर दी थी और देशवासियों को इसका संदेश दिया था। इस कार्य को कई सरकारों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस ने इसकी खिल्ली उड़ाई और मजाक बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटे और सभी को साथ लेकर चले और देश को स्वच्छ रखने का काम करना शुरू कर दिया और आज इस दिन को श्रमदान के रूप में मनाया जाता है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता का अभियान आज़ादी के पहले से शुरू किया और जो हमें सबको संदेशा दिया था कि जितना जरूरी स्वतंत्रता है उतना ही जरूरी स्वच्छता है, उस कार्य को वर्षों वर्षों तक लोगों ने नज़रअंदाज किया। सरकारें आई सरकारें गई, किसी ने उसकी चिंता नहीं की और एक माहौल आलस का एक माहौल जहाँ स्वच्छता के बारे में हमारे बच्चों को स्कूलों में कॉलेज में एक आम नागरिक को इसकी चेतना नहीं खड़ी हो पाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को जब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की तब कांग्रेस के विपक्षी दल के नेताओं ने खिल्ली उड़ाई। कांग्रेस के नेताओं ने कहा 15 अगस्त को कौन स्वच्छता की बात करता है, वहाँ तो बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महात्मा गांधी जी का सपना था उसको पूरा करने हेतु जो उनके दिल में एक पक्का इरादा है भारत को विकसित देश बनाने का, उसकी नींव उसकी शुरुआत एक स्वच्छ भारत बनने से होगी। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में श्रमदान को सबसे बड़ा महत्व दिया है और आज भारत के प्रधानमंत्री जी भी इसी तरीके से श्रमदान स्वच्छता उनके जीवन का हिस्सा है और लोगों का हिस्सा बने, समाज का हिस्सा बने, देश का हिस्सा बने और इसीलिए आज ये पखवाड़ा नहीं है, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अभियान है कि स्वच्छता अभियान रोज 1 घंटा आदमी स्वच्छ करे, अपने आंगन को साफ करे, अपने घर को साफ करे, आसपास को जहाँ देख गंदगी वहाँ साफ करे। हमने 140 करोड़ के देश हैं, बड़े देश हैं, हम देश के अंदर सामूहिकता से काम करना, मिलकर काम करना पड़ेगा। कुछ हमारे पूर्वजों ने, कुछ महापुरुषों ने, कुछ वैदिक संस्कृति की धरती ने ऐसे ही स्वच्छता का संदेश दिया है, आज उसी को लेकर आगे बढ़ना है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।